नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी एक पर्सन के द्वारा एक अपराध किया गया और उस एक अपराध के लिए अगर अलग अलग स्टेट्स में FIR अगर रजिस्टर करवा दी जाए तो क्या उस पर्सन को सभी स्टेट्स में सजा दी जाएगी और उस पर्सन को किस तरीके से उन सभी FIR को रद्द करवाना चाहिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो एक केस स्टडी के साथ में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, आप सभी ने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के ऊपर FIR रजिस्टर करवाई गई थी, उनके ऊपर हमला भी हुआ था क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो फिर उसके बाद में लोगों ने अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करवा दी। ऐसे में जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी ने भी FIR रजिस्टर करवाई थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। तो फिर ऐसे में जब वो अलग अलग स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में उनके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर हुई, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जाना पड़ा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिट पिटिशंस फाइल की। दोस्तों, ये दोनों रिट पिटिशंस सेम नाम से थी क्योंकि इन दोनों में ही अर्णब रंजन गोस्वामी पिटिशनर हैं और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इसमें रिस्पोंडेंट थे, लेकिन दो अलग अलग रिट पिटिशंस अर्णब गोस्वामी के द्वारा इसमें फाइल की गई। तो इन दोनों के ऊपर एक साथ कंबाइंड करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई। दोस्तों, जब इन दोनों रिट पिटिशन के ऊपर सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली अपना जजमेंट दिया गया था, तो वो 56 पेजेस का जजमेंट था। तो मैं आज आपको उसको कट एंड शॉर्ट करके केवल आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो मैं आज आपको बताऊंगा उसमें से। तो जब इन रिट पिटिशंस के ऊपर सुनवाई हुई, तो उसमें एक तो जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के द्वारा ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि उनके द्वारा जो FIR रजिस्टर करवाई गई है उसमें पुलिस के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की जानी चाहिए, बल्कि CBI के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगर सभी ऑर्डिनरी मैटर्स में अगर CBI को ही इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, तो फिर जो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जिसमें से एक पुलिस भी है, तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इन्वेस्टिगेशन देने से मना कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा रिट पिटिशन में सेकंड रिलीफ ये मांगी गई थी कि जो FIR नंबर 238/2020 है, जो कि 20 अप्रैल 2020 को पुलिस स्टेशन सदर डिस्ट्रिक्ट नागपुर सिटी में रजिस्टर करवाई गई थी, तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस FIR को NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन मुंबई के पास में ट्रांसफ़र कर दी और उसके FIR नंबर भी अब चेंज हो चुके हैं और अब उसके FIR नंबर हैं 164/2020। इस FIR के लिए भी जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के द्वारा यह कहा गया था कि इस FIR को क्वेश कर दिया जाए, मीन्स रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने रिट पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है FIR क्वेश करने के लिए। तो ये एक इंडिविजुअल FIR क्वेश करने के लिए आपको किसी अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास में जाना चाहिए और CRPC में जो प्रोविज़न बताया गया है उसका आपको प्रयोग करना चाहिए और उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास में आपको FIR क्वेश करने के लिए अपनी पिटिशन फाइल करनी चाहिए और उसमें से हाईकोर्ट भी एक प्रॉपर अथॉरिटी है। तो आप हाईकोर्ट के सामने FIR क्वेश करने के लिए अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप सभी को अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि सेक्शन 482 ऑफ CRPC में ये प्रोविज़न है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई झूठी अगर FIR रजिस्टर करवाई गई है, तो फिर ऐसे में वो पर्सन सेक्शन 482 ऑफ CRPC में हाईकोर्ट के सामने FIR क्वेश करने के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है और उसमें हाईकोर्ट एक प्रॉपर अथॉरिटी है और हाईकोर्ट के द्वारा FIR क्वेश भी की जाती हैं। इसीलिए आपको डायरेक्ट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के सामने एफआईआर क्वेस्ट करने के लिए कोई पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के द्वारा इन रिट पिटीशन में यह भी कहा गया कि उसके द्वारा जब एक पॉलिटिशियन के ऊपर कहा गया था टीवी चैनल के ऊपर, तो फिर उसको लेकर के भारत के अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी, तो उन सभी एफआईआर को क्वेश कर दिया जाना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब उसके ऊपर सुनवाई की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोज ऑफ एक्शन एक है, मीन्स जो जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के द्वारा जो एक्ट किया गया था वो तो केवल एक ही है, उसने एक पॉलिटिशियन के ऊपर वो कमेंट किया था, तो केवल उस एक बात को लेकर के भारत के अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई, तो फिर ऐसे में तो जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी को सभी जगह जाना होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक जर्नलिस्ट को अपनी बात रखने का अधिकार है, और अगर जर्नलिस्ट को इस प्रकार से अगर रोका जाएगा तो फिर वो एक ना तो देश के लिए सही है और ना ही फिर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि फ्रीडम दी जानी चाहिए जर्नलिस्ट को, और जब तक हमारा मीडिया फ्री है वो अपनी बात रख पा रहा है तो ऐसे में लोगों तक सही सूचना पहुंचती रहेगी। तो इस बात को देखते हुए और आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार सभी को दिया जाएगा, फिर चाहे वो एक जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों ही आर्टिकल्स में माना कि जो अलग अलग एफआईआर रजिस्टर करवाई गई हैं जिसमें कोज ऑफ एक्शन केवल एक ही है, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन सभी एफआईआर को क्वेश मीन्स रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोज ऑफ एक्शन एक है, मीन्स जो भी घटना हुई है जिसके क्रम में जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है तो वो घटना केवल एक ही है, तो फिर उसके अगेंस्ट में अगर एक से अधिक अगर जितनी भी एफआईआर होंगी तो वो आप क्वेश करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कानून में ऐसा प्रोविजन है कि एक पर्सन को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होनी चाहिए। तो फिर जब अपराध एक है जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के द्वारा जब एक बार और एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया तो उसके लिए उन्हें अगर मान लीजिए सजा दी भी जाए तो वो एक बार ही दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स में जहां पर भी उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई है तो उन सभी में उन्हें सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा का प्रावधान है कानून में। तो इसीलिए ही जब सजा एक होनी है तो फिर एक ही जगह पर उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इतनी जगहों पर एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होगी केस चलेंगे तो वो पेंडेंसी बढ़ेगी और उसका कोई औचित्य भी नहीं है कानून के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, और ये बिल्कुल गलत भी है। किसी पर्सन का हरासमेंट किया जाना बहुत गलत है, क्योंकि जब ऑफेंस एक है कोज ऑफ एक्शन एक है तो एक ही एफआईआर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। अब दोस्तों इस केस से आप सभी के पास में सीखने के लिए दो तीन बातें हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर आपके साथ में कभी भी ऐसा हो कि आपके अगेंस्ट में कोई झूठी एफआईआर अगर रजिस्टर करवा दी गई है तो फिर आपको उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो भी आपका हाई कोर्ट है उस स्टेट का, उसके सामने आपको सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करनी है एफआईआर क्वेश करवाने के लिए, और वहाँ पर आपको अपने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं कि आपके अगेंस्ट में जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है वो बिल्कुल झूठी है, उसमें कोई भी गवाह नहीं है, कोई भी उसमें प्रॉपर तरीके के एविडेंसेस पेश नहीं किए गए हैं, और आपको अपने फेवर के भी एविडेंसेस बताने हैं। उसके आधार पर हाई कोर्ट को अगर उचित लगेगा तो हाई कोर्ट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में एक प्रॉपर अथॉरिटी होने के कारण आपकी एफआईआर क्वेश कर देगा, क्योंकि जैसा कि आपने इस केस में देखा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि आपको अगर एक इंडिविजुअल जो एफआईआर क्वेश करवानी है उसके लिए आपको एक प्रॉपर अथॉरिटी या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है और आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट को सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में अप्रोच करना है। इसके अलावा एक बात सीखने की ये भी है
कि अगर आपके अगेंस्ट में एक ऑफेंस के लिए अलग अलग स्टेट्स में या फिर एक से ज़्यादा FIR चाहे सेम स्टेट या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर रजिस्टर करवा दी गई है तो आपको उसके लिए भी पिटीशन फाइल करनी है, क्योंकि एक पर्सन को केवल एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी और एक ही FIR रजिस्टर हो सकती है। बार बार सेम ऑफेंस के लिए कोई FIR रजिस्टर नहीं करवा सकता है कोई भी पर्सन। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें और ये आपका एक अधिकार भी है। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो कि आपके अगेंस्ट में कोई FIR रजिस्टर करवाएगी कि साहब इन्होंने मेरे साथ में मारपीट की, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने माना कि इसमें कोई मारपीट नहीं हुई है और FIR अगर लगा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन उस सेम अपराध के लिए फिर से FIR रजिस्टर करवा देगा। इसके अलावा इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि आपके अगेंस्ट में कोई FIR रजिस्टर करवाएगी, आपने उस FIR को हाई कोर्ट से क्वेस करवा लिया, तो फिर उसके बाद में सेम उस ऑफेंस के लिए दूसरी कोई FIR रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।